एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द गाइडेंस। हम देखेंगे कि फाहमान का ये वीक कैसा जाता है। क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोचने में ही जा रहा है, राइट? चलो ठीक है, मोर लाइक यू नो, ऐसा भी बोल सकते हैं कि शायद कम सोचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था कि काफी एडिक्शन हो गई थी क्वीन ऑफ सोर्ड कप के बारे में, काफी सोच रहा था वो। पर अब देखते हैं कि क्या होता है इस वीक, कैसी एनर्जी, कैसा वीक रहने वाला है उसका, काम पे फोकस। चलो देखते हैं क्या होता है। गॉड्स गाइड एंजल्स आर्कएंजल, यस, काम पे फोकस करेंगे। एक तरफ तो काफी बेजार हो गए हैं ना, इमोशनल लॉस फील कर रहे थे, तो अब क्या है कि चलो काम ही करते हैं। इस तरह के कुछ थॉट्स हो सकते हैं उसके। बार बार हमें ये कार्ड दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं काफी हर्ट हुआ है वो। तो इंटरेस्टिंग ये है ना, अब फिर से वो काम करने का स्टार्ट सोच रहा है कि ठीक है, अब एक तो दिल तो टूट गया है जो भी है, तो अब अच्छा यही है कि माई गुडनेस, आई डोंट नो वाई दिस कार्ड इज कॉन्स्टेंट एंड दिस कार्ड कीप्स चेंजिंग। आर यू सीइंग दिस? टोटली लगता है वो अपने काम पे अब फोकस करना चाहता है, क्योंकि काफी बेजार हो गया है, ब्रोकन है, बिट्रेड फील कर रहा है। वाओ, दिस कार्ड वॉज कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंट एंड दिस कार्ड केप्ट चेंजिंग। चलो 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 चलो, डियर एंजल्स कैन वी प्लीज नो दिस वीक फॉर फाहमान, हाउ इज इट गोइंग टू बी? वी थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस कमिंग इन फॉर ऑल द फाहमान फैंस। थैंक यू एंड थैंक यू एंड थैंक यू सो वेरी मच। काफी इमोशनल लॉस, हार्ट ब्रेक के बाद बिट्रेयल भी फील कर रहा है, बट अब इट्स मोर लाइक यू नो ही वॉन्ट्स टू फोकस ऑन हिज वर्क, ऐसा लग रहा है। एनर्जी तो यही बता रही है। अगेन क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, शफल करते समय पहला कार्ड हमें यही दिखा था। देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है, पर यहाँ विक्ट्री है, और यहाँ पे भी कुछ रिवर्स में है, और यहाँ पे सेलिब्रेशन भी आ गया है। कैसा होने वाला है ये वीक फाहमान का? ऐसा लग रहा है कि कोई क्वीन ऑफ कप से वो दूर जा रहा है, राइट? ये तो हम क्लियरली देख रहे हैं। ये वीक शायद उसके लिए काफी सक्सेसफुल हो सकता है, कुछ रिकग्निशन, कुछ यू नो सम कुछ चीज हो सकता है, कुछ विक्ट्री वो सेलिब्रेट कर सकता है। डू यू सी दिस? और लवर्स का कार्ड भी रिवर्स में है। आई वंडर इफ इट इज समथिंग रिलेटेड विद रिलेशनशिप, बट यहाँ पे डेफिनेटली ही इज मूविंग अवे फ्रॉम वन क्वीन ऑफ कप्स। सेलिब्रेशंस है, विक्ट्री है, ये चीज हमें दिख रही है। और यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। किस तरह का वीक होने वाला है उसका? यहां से तो निकल रहा है, बट ही इज डेफिनेटली गोइंग समवेयर। क्या ये कोई प्रोडक्शन हाउस हो सकता है? कुछ हो सकता है इस तरह का, बट यहां पे तो डेफिनेटली एक काफी कुछ एक अच्छी एनर्जी आ रही है उसके तरफ, जैसा कि लास्ट टाइम उसका जो करियर का, एक्चुअली दिस हैज टू बी रिलेटेड विथ हिज करियर आई थिंक, राइट? क्योंकि उसके करियर का जो हमने प्रेडिक्शन किया था कि लास्ट वीक, लास्ट 10 डेज ऑफ सितंबर में क्या होने वाला है, तो वहां पे उसके उसे कुछ नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, एज इन कि उसे कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर मिलने वाला है। तो हो सकता है कि कोई बिजनेस कुछ ऑफर मिल सकता है उसे यहां पे। ऑफर अगर नहीं भी मिल रहा है, तो जो भी चीज हो रही है उसे कुछ तो सक्सेस यहां पे मिल रहा है। यस, सरेंडर टू क्रिएटिविटी। कुछ तो शायद करके, आई मीन देयर इज समथिंग व्हिच इज लीडिंग टू गुड सक्सेस इन हिज लाइफ इन दिस वीक। एक्सक्यूज मी, साथ में बोला गया है किस चीज पे ध्यान देने के लिए? एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। तो डेफिनेटली काफी क्लटर था भी इधर उधर,
जो भी है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसे बोला जा रहा है। प्लस क्या बोला जा रहा है उसको, लेट योर इमेजिनेशन सोर हाई, स्टे ओपन टू ऑल क्रिएटिव आइडियाज अबाउट हाउ टू परस्यू अ ड्रीम और सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रीम ही लग रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने शफल किया था तो हम देख रहे थे कि एट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड था वो कॉन्स्टेंट बना हुआ था, और यहां पे एनर्जी चेंज हो रही थी। यहां पे कभी थ्री ऑफ सोर्ड आके हमें बता रहा है कि उसका दिल किसी चीज से बहुत ज्यादा टूट गया है, क्वीन ऑफ कप्स से शायद टूट गया है, इसीलिए ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम हिम फ्रॉम हर। प्लस बिट्रेड फील कर रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद है कि अब वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरफ उसने डिसाइड किया है कि वो बस अपने करियर पे फोकस करेगा, फिर से कुछ स्टार्ट करेगा, एक न्यू एनर्जी के साथ अपने करियर पे फोकस करेगा, राइट। और यही सारे कार्ड्स तो आए थे ना, तो देर कुड बी सम क्रिएटिव सक्सेस इन टू दिस सम यू नो प्रोफेशनल फ्रंट पे, ये चीज लग रही है उसका। लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए भी उसे बोला जा रहा है, बट देर इज डेफिनेटली सम रिकग्निशन एंड सेलिब्रेशन दिस वीक कमिंग हिज वे, जो कि अगेन इज इन सिंक विथ ही गेटिंग सम सक्सेस इन द लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। उसका जो करियर प्रेडिक्शन किया था उससे मैच हो रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इस ये वीक शायद उसके लिए करियर वाइज काफी अच्छा रहने वाला है। साथ में लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए भी बोला जा रहा है यहाँ पे, बट आई एम नॉट गेटिंग वॉट इज दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली सेइंग। आई एम क्लियरली गेटिंग दैट ही इज मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग इन टू समथिंग, बट वॉट इज दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स रियली मीन, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे कोई प्रोडक्शन हाउस की तरफ जाता हुआ ये दिख तो रहा है, बट इज दिस प्रोडक्शन हाउस वेर ही इज गोइंग रियली गुड? लेट्स पुल अ क्लैरिफायर फॉर दिस एंड चेक दिस आउट। ओके, वो चीज हमको उस पर चेक करनी पड़ेगी कि ये कहीं तो जा रहा है बट कहां जा रहा है। एक चीज हमें डेफिनेटली पता चला था कि उसे कोई ऑफर मिल सकता है टेन ऑफ, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स का जिस तरह से रीडिंग हुआ था उसके करियर के लिए लास्ट वीक का, देर वॉज लाइक यू नो ही इज गेटिंग सम काइंड ऑफ ऑफर, ही इज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, और यहां पे एनर्जी चेंज होती हुई दिख भी रही है। क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोचने से नाउ ही इज मूविंग आउट ऑफ इट एंड फोकसिंग ऑन हिज करियर। नाइट ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड फिर से रिपीट हुआ है इसके रीडिंग में, तो काफी कहीं ना कहीं हर्ट फील हुआ है, वो हर्ट हर्ट है। और नाइट ऑफ कप्स, तो दिल से दिल के रिलेटेड मैटर में ही इज फीलिंग वेरी हर्ट एंड अगेन फोकस इज ऑन करियर नाउ। ओके, काफी हर्ट है, बट व्हाट इज दिस एनर्जी आई एम नॉट गेटिंग। टेन ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट is definitely moving from one place to another, but I'm not understanding ki ten of pentacles exactly what does this mean here. Can we please get a clarifier for ten of pentacles in reverse here, dear angels? We thank you so much for this. All right. ओके गाइज, तो व्हाट आर वी गेटिंग इज वी आर क्लियरली गेटिंग, देखते थे कि यहां पे तो किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स को रिवर्स में देख रहे हो ना, तो कहीं किसी से वो दूर जा रहा है अब, ठीक है, ऐसा लग रहा है वो, और अपने करियर पे फोकस उसका टोटल है। यहां पे उसे किसी तरह की विक्ट्री भी मिल रही है, रिकग्निशन भी मिल रहा है, कुछ सेलिब्रेशन भी हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ ऑफर मिले उसको, छोटा सा रोल पर बहुत अच्छा हो, जैसा कि लास्ट टाइम प्रेडिक्शन किया था लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर के लिए। कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ तो एक मैजिक बनता सा दिख रहा है इसके लास्ट वीक में। हाउएवर, जहां पे वो जा रहा है वर्क करने के लिए, जो भी ऑफर है कहीं प्रोडक्शन हाउस में, हो सकता है वो बहुत पॉजिटिव नहीं हो, वहां पे बहुत ज्यादा आई मीन इट्स नॉट टोटली पॉजिटिव और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन यहां पे ये लग रहा है कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा जहां पे भी वो एंट्री कर रहा है, जो भी रोल है, जो भी उसको सक्सेस मिला है इस प्रोडक्शन हाउस के रोल में, काम मिल रहा है या जो भी है। Maybe they are not very notorious जैसे हैं या जो भी है, but ऐसा लग रहा है कि he will be protected against इसकी जो vibes है ना इस production house की, वहां पे वो protected रहेगा, ऐसा लग रहा है
इस तरह की तो एनर्जी आ रही है। एक्सेप्ट हेवन्स हेल्प, यू हैव प्रेड फॉर हेल्प, सो गेट आउट ऑफ योर वे एंड लेट द हेवन्स हेल्प यू। तो यहां पे डेफिनेटली लग रहा है विद द सेलिब्रेशन कार्ड, विक्ट्री कार्ड, प्रोटेक्शन कार्ड कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव शायद उसके लाइफ में होने वाला है। और अगर कोई प्रोडक्शन हाउस है जो कि काफी फेमस मतलब नोटोरियस है, तो भी वो ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो जाएगा भी, काम करेगा, ऑफर मिलता है एक्सेप्ट भी करता है, तो उसके लिए वो ही विल बी प्रोटेक्टेड। जैसा कि हमने देखा भी है कि वो बहुत डिवाइन चाइल्ड जैसा है, प्रोटेक्शन उसको मिलता है डिवाइन से, तो इस तरह की चीज है। यहां पे भी उसे हेल्प किया जा रहा है, उसका अपना चीज क्या हो गया करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम में सोल्यूशन मिल के अचानक से मैजिक क्रिएट हो सकती है, इस तरह की एनर्जी है। अपना उसे ये करना है कि उसको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करनी है ना। और उसने सोच भी लिया है कि दिल टूट रहा है, बिट्रे फील कर रहा है, इमोशनल लॉस फील कर रहा है, तो अब करना क्या है कि भाई टोटल अपना करियर में फोकस करना है। जो आपने देखा बार बार ये कार्ड चेंज हो रहा था, ये कार्ड सेम था, तो अब दिमाग में बिल्कुल उसने करियर पे फोकस करने का सोच लिया है। एंड आई थिंक कुछ कमेंट्स भी आए थे कि उसको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, तो चलिए वही चीज हो भी रही है। फामान की एनर्जी इस वीक काफी पॉजिटिव लग रही है और सक्सेसफुल लग रही है, कुछ सेलिब्रेशंस होने वाला है। अब कैसे ये एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, पर्सनल लाइफ में होती है, प्रोफेशनल लाइफ में होती है, कैसे क्या होता है, ये तो हमको अभी आगे में ही एज द वीक अनफोल्ड्स वी विल गेट टू नो। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज द मोटा मोटा एनर्जी, हाउ इट विल मैनिफेस्ट इज समथिंग दैट वी शुड बी क्यूरियस टू वॉच आउट फॉर कि कैसे होगा। सो आई विल सी यू, let's see, keep sharing, देखते हैं क्या होता है। I'll see you in the next video.